देश भर में घरेलू विमान सेवा की बहाली के दूसरे दिन यानी मंगलवार को पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 14 विमानों का संचालन किया गया और आने वाले यात्रियों की अपेक्षा यहां से बाहर जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक रही। ये जानकारी एक अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डे पर 7 विमानों में 338 यात्री यहां पर आए, जबकि 7 विमानों में बैठकर 781 यात्री यहां से बाहर गए। हवाई सेवा बहाली के पहले दिन सोमवार को यहां से कुल 17 विमानों का परिचालन किया गया। उन्होंने बताया कि मंगलवार को यहां आने वाले और यहां से उड़ान भरने वाले विमानों की संख्या 14 थी। इसमें 7 विमान यहां पर आए, जबकि 7 विमानों ने यहां से उड़ान ली थी। इन विमानों से कुल 338 यात्री यहां पर आए, बाकी 781 यात्री यहां से बाहर गए। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से विमान सेवाएं 2 महीने तक बंद रहे। इसके बाद सोमवार को पुनः शुरू हुई। सोमवार को 9 विमानों में बाहर से 672 यात्री पुणे आए, जबकि 8 विमानों में 985 यात्री यहां से बाहर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसआरएस न्यूज़, पुणे, महाराष्ट्र।